हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे ओप्पो का F15 फ़ोन। ये मैंने Flipkart से मंगाया था। देखिए मेरे हाथ में ये जो फ़ोन है ये ओप्पो का F15 फ़ोन है। ये 4GB 128GB का वेरिएंट है। ये मैंने Flipkart से मंगाया था लगभग 15,000 रुपये में। आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और इसके बारे में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए फटाफट इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके बारे में बताते हैं। देखिए ये है ओप्पो F15 का पैकेट। देखिए यहाँ फ्रंट में लिखा हुआ ओप्पो F15 और यहाँ पे फ़ोन का डिज़ाइन दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ओप्पो और यहाँ पे देखिए 4GB 128GB लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि ये 4GB 128GB का वेरिएंट है। और साइड में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ओप्पो ICC मीन्स इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और बैक साइड में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओप्पो F15 और 48MP का क्वाड कैमरा है और वॉक चार्ज जो है वॉक फ्लैश चार्ज 3.0 है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है 3.0 और फुल HD प्लस एमोल्ड स्क्रीन है। ये डिस्प्ले जो है फुल HD एमोल्ड स्क्रीन है। यहाँ पे देखिए 4GB 128GB लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ ब्लेजिंग ब्लू कलर जो है ब्लेजिंग ब्लू है। यहाँ पे EMI वगैरह लिखा हुआ EMI नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे बैंड जो 4G का बैंड होता है वो लिखा हुआ है और यहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। ये मेड इंडिया में बना हुआ फ़ोन है। तो देखिए साइड से ऐसा लुक है और यहाँ पे देखिए MRP लिखा होगा। तो यहाँ देखिए MRP जो लिखा हुआ 20,990 रुपये लिखा हुआ है जबकि मैंने इसे 15,000 में मंगाया है। और देखिए यहाँ पे देखिए कैमरा का जो है पूरा डिटेल्स दिया हुआ। रियर कैमरा जो है 48MP प्लस 8MP प्लस 2MP प्लस 2MP में 4 कैमरा दिया हुआ और फ्रंट कैमरा सेल्फी के लिए जो दिया हुआ है वो 16MP का दिया हुआ। और बैटरी की बात करें तो बैटरी जो है 3935 mAh की बैटरी है मीन्स इसका जो है 4000mAh की बैटरी बोला जा सकता है। और स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन जो है 6.2 सेंटीमीटर मतलब 6.4 इंच का स्क्रीन है। फुल HD AMOLED डिस्प्ले है। इसका स्क्रीन बहुत अच्छा स्क्रीन है। आप मीन्स इसका पिक्चर क्वालिटी जो बहुत अच्छा है नॉर्मल फ़ोन से बहुत अच्छा है। तो चलिए फटाफट इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके बारे में बताते हैं। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूं। ये देखिए सिम इजेक्टर पिन है, आप इसे सिम निकाल सकते हैं। और ये है यूज़र मैनुअल, इसमें ज्ञान की बातें लिखा हुआ है। और ये है बैक कवर, ट्रांसपेरेंट बैक कवर है। इसे तोड़ दीजिए मोड़ो दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत अच्छा ये बैक कवर है। ये फ़ोन को जो है बचाता है गिरने से, मीन्स गिर जाएगा तो टूटेगा नहीं। और ये है फ़ोन, इसे फ़िलहाल साइड में रखता हूँ। और ये है वॉक चार्ज 3.0, ये फास्ट चार्ज है। देखिए ओप्पो का ये फ़ोन जो है मीन्स ये चार्जर जो है फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। तो देखिए यहाँ मेड इन चाइना लिखा हुआ है लेकिन डब्बे के ऊपर लिखा हुआ था मेड इन इंडिया। केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि मेड इन इंडिया फ़ोन है बट सारा सामान जो है चाइना से आता है। और देखिए यहाँ पे जो चार्जर्स का डिटेल्स दिया हुआ है ये 3.0 सपोर्ट करता है, वॉक फ्लैश चार्ज है ये। इसको भी साइड में रखते हैं। और ये है डाटा केबल, ये USB-C टाइप सब है। देखिए इसके साथ एक हेडफोन भी दिया हुआ है। नॉर्मल फ़ोन में तो देता नहीं है, केवल वीवो प्रोवाइड करता बट ये ओप्पो फ़िलहाल देना चालू कर दिया है। इन सबको साइड में रखते हैं और फ़ोन की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये है ओप्पो का F15 फ़ोन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ F15 48 AI क्वाड कैमरा वॉक फ्लैश चार्ज 3.0 इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट 3.0 और फुल HD AMOLED स्क्रीन। तो इसका स्क्रीन जो है स्क्रीन का क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो देखिए ये है फ़ोन, इसका साइड लुक देखिए, बैक लुक देखिए कैसा है। देखिए ये फ़ोन का डिज़ाइन देखिए, चमचमाता हुआ डिज़ाइन है। यहाँ पे देखिए ओप्पो का डिज़ाइन दिया हुआ मीन्स ओप्पो लिखा हुआ है और बैक साइड में स्टिकर लगा हुआ है। और ये 4 कैमरा वाला फ़ोन है। यहाँ पे LED फ्लैश लाइट है। और यहाँ पे ये देखिए वॉल्यूम का प्लस माइनस बटन है और इस साइड में जो है पावर बटन दिया हुआ है। और सेल्फी के लिए यहाँ पे देखिए कैमरा दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये सी टाइप केबल, स्पीकर और 3.5mm जैक और माइक। अब इसे ऑन करके आपको दिखाते हैं। ये फ़ोन हाथ में बहुत अच्छा एडजस्ट कर रहा है, मीन्स ज़्यादा बड़ा फ़ोन नहीं है। 6.4 इंच का स्क्रीन है इसका, इस कारण से ये फ़ोन जो है अपने हाथ में अच्छे से हैंडल हो जाता है। तो मैं इस फ़ोन को ऑन कर रहा हूँ। तो देखिए फ़ोन जो है ऑन हो चुका है। अब मैं इसे सेटअप कर लेता हूँ और थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। तो देखिए फ़ोन जो है ऑन हो चुका है। तो देखिए फ़ोन का इंटरफेस कैसा दिख रहा है। इसमें जो है कुछ कुछ फालतू ऐप इंस्टॉल है, प्री इंस्टॉल है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है
कि ये स्टॉक एंड्रॉयड नहीं है, इस कारण से ये सब जो है, देखिए गूगल, फेसबुक, ये सब ऐप, अमेजन, ये सब दिया हुआ है इसमें। अगर ये स्टॉक एंड्रॉयड आता तो इसमें ये सब फालतू की ऐप जो है नहीं होता, आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता। तो ये है ओप्पो F15 फ़ोन, इसका इंटरफेस ठीक ठाक ही है। अब मैं इसे सेटिंग में ले जाके आपको दिखाता हूँ इसका फ़ोन का डिटेल्स। तो देखिए जो प्रोसेसर है इसका ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, रैम जो है 4 GB है और इंटरनल स्टोरेज जो है 128 GB है, जबकि अवेलेबल मेमोरी जो है 107 GB है। तो ये है ओप्पो F15 का अनबॉक्सिंग। नेक्स्ट वीडियो में आपको कैमरा का रिव्यू करके बताऊंगा कैमरा क्वालिटी कैसा है, पिक्चर क्वालिटी कैसा है, वीडियो क्वालिटी कैसा है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कैमरा का रिव्यू फुल डिटेल्स के साथ दूंगा। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।